प्रदेश में इन दिनों सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरीके से चरमराई हुई हैं, बुरी तरीके से प्रभावित हैं। इसका कारण यह है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाए, उनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाए और व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। अब बेशक ये लड़ाई रेजिडेंट डॉक्टर्स की सरकार से हो, लेकिन इसका खामियाजा सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को उठाना पड़ रहा है। और तो रेजिडेंट डॉक्टर्स मांगे पूरी ना होने पर अब इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वाकई मरीजों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसे में सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि इतने दिनों तक डॉक्टर्स की हड़ताल पर सरकार चुप क्यों है? अस्पतालों में मरीजों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है, ऐसे में सरकार हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठी है? आज चर्चा इसी पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुमित गर्ग, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रामप्रसाद भड़िया, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और मेरे साथ शुभांशु शुक्ला जुड़े हैं, जो खुद डॉक्टर हैं और जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले मैं रामप्रसाद जी आपके पास ही आना चाहूँगी। देखिए कारण क्या है, रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर क्यों बैठे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कम से कम आप जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं उन्हें बिना किसी हर्डल के, बिना किसी मुसीबत के मरीजों तक पहुंचाएं। अब देखिए एसएमएस जो प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां से लेकर आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, व्यवस्थाएं इतनी चरमराई हुई हैं और इतने दिन हो गए, चुप क्यों है सरकार? बोलिए डॉक्टर्स को कि अपनी ड्यूटी करें, जो उनकी मांगे आप करिए चर्चा। देखो नंदिनी जी, आपने आज ये जो मुद्दा उठाया बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है, रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल का। रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक जो साल में अभी 10 महीने सरकार आए हुए, 3 बार स्ट्राइक हुई है, इससे पहले भी काफ़ी बार स्ट्राइक्स हुई हैं। आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर एक चिकित्सा जो पैसा है वो एक नोबल पैसा है। उसमें डॉक्टर भी मरीज को देखते हुए यही देखता है कि मैं मेरे भगवान का इलाज कर रहा हूँ, और मरीज भी जब गांव से चल के, ढाणी से चल के अस्पताल में आता है तो एक भगवान के रूप में देख करके उस डॉक्टर के पास आता है। ठीक है, लेकिन अपने प्रदेश के अंदर आए दिन कुछ पॉइंट्स को लेकर के हड़ताल होना ये उचित नहीं होता। सरकार अच्छा। के पास जैसे ये पॉइंट्स आए, सबसे पहला मुद्दा सुरक्षा का मुद्दा डॉक्टर्स के लिए आया। हम भी कह रहे हैं सरकार के पास यदि डॉक्टर के साथ में यदि अव्यवहार कोई व्यक्ति करता है तो उसकी सजा का प्रावधान है। अभी 5 दिन पहले ही जनाना अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ अव्यवहार हुआ था, पार्षद था लेकिन उसकी जेल भी करवाई है सरकार ने। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए कि 21 अगस्त 2024 को आरजी कर का जब मुद्दा हुआ था, स्ट्राइक हुई थी, उस समय आदेश पारित हुआ था। उस आदेश के अकॉर्डिंग सारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स में जहाँ पे एंट्रीज है, एग्जिट्स हैं, जहाँ पे अंधेरा रहता है, अनलीगल एक्टिविटीज होती है, वहाँ पे सीसीटीवी, हाई रेजिलेंसी वाला सीसीटीवी कैमराज लगाने के आदेश दिए थे। और डॉक्टर जहाँ ड्यूटी करता है, नाइट में इमरजेंसी में ड्यूटी करता है, वहाँ पे भी आदेश दिए थे कि सुरक्षा गार्ड्स और चौकीज को एक्टिवेट किया जाए। जी, आप ये कह रहे हैं रामप्रसाद जी कि आप जो सरकार कार्य कर रही है डॉक्टर्स के लिए वो सारे काम बहुत बढ़िया हैं, इनकी जो हड़ताल है वो नाजायज है, अगर ऐसा है तो आप कार्रवाई कीजिए, आप चुप क्यों हैं? हमारा ये कहना है कि आए दिन हड़ताल करना उचित नहीं है। सरकार के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। 17 अक्टूबर 2024 को अभी 3 दिन पहले ही मंत्री महोदय से मैंने रेजिडेंट डॉक्टर्स की बैठक करवाई थी। उसमें बैठक में ये निर्णय ले लिया गया था, उस दिन ये लोग इमरजेंसी सेवाओं की हड़ताल कर रहे थे, उस दिन ये मान गए थे कि हाँ हम हड़ताल नहीं करेंगे, और इन पॉइंट्स को भी सुन लिया गया था। मैम इस पॉइंट्स को छोटे छोटे फाइन्स पॉइंट हैं, उनके फाइन्स पॉइंट्स के लिए इनको हड़ताल नहीं करनी चाहिए। हम सारे पॉइंट्स, स्टाइपेंड्स हैं, बोर्ड नीति है, सारे पॉइंट्स मैं लिख के लाए, सारे पॉइंट्स एक-एक पॉइंट्स को सुना गया है। सबसे मुख्य मांगे इनकी कि आप स्टाइपेंड बढ़ाइए, आप सुरक्षा दीजिए। सुरक्षा पर आपने बोल लिया, लेकिन स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग ये कर रहे हैं और लंबे वक्त से कर रहे हैं। अब सवाल ठीक है, मैं उनका भी पक्ष इस पर जानूंगी, आपकी बात हो गई। सवाल यहाँ पर ये है, आप कह रहे हैं सरकार के दरवाजे खुले, आप बातचीत करने आइए, तो किसने रोका है?
डॉक्टर्स बातचीत क्या करने नहीं जाते, क्या आप लोगों की कोई सुन नहीं रहा जो आपको बार बार हड़ताल करनी पड़ती है? और जब डॉक्टर्स हड़ताल करते हैं तो क्या ये भूल जाते हैं कि देखिए लड़ाई आपकी सरकार से है लेकिन परेशान एक गरीब मरीज होगा? सुभांशु जी जवाब दीजिए। जी मैम, जैसे कि सर ने बताया अभी कि सरकार के दरवाजे जो हैं वो 24 घंटे हमारे लिए खुले हुए हैं। हम इस बात को लेकर पहले भी सरकार को ना जाने कितनी बार यह बता चुके हैं, हमारा प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिला भी है, हमें हर बार आश्वासन मिला है। और जो सबसे बड़ी बात जो पिछले आंदोलन में निकल कर आ रही है 11 दिन में, वो ये है कि बार बार रेजिडेंट्स नई मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ जाते हैं और अपनी हठधर्मिता दिखाते हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि ये जो मांगे हैं ये आज या कल की नहीं है, ये बहुत पुरानी मांगे हैं जिन पर हमें बहुत समय से आश्वासन दिया जा रहा है। हर बार हमें यही कहा जाता है कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं, हम इस पर कार्य कर रहे हैं। आखिरी बार जब आरजी कर का जो मुद्दा देशव्यापी मुद्दा था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, उस पर हमें यह बोला गया कि आप हमें 30 दिन का वक्त दीजिए, 30 दिन के अंदर आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो हमारी जिम्मेदारी होगी, हम एक्स्ट्रा गार्ड्स लगाएंगे, हम जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां से हम ये इंश्योर करेंगे कि वहां के जो कांस्टेबल्स हैं या फिर जो भी हैं वो वहां पर ड्यूटीज देंगे, वहां पर आपकी रक्षा करेंगे। डीडीआर जो है हमारा मेन मुद्दा था कि आज अगर फीमेल डॉक्टर कोई रात में नाइट ड्यूटी करती है तो उसके पास एक इतनी सी फैसिलिटी हो कि वो अंदर से अगर वो एक घंटे के लिए आराम भी करना चाहती है तो अंदर से अपना डीडीआर बंद करके और चैन से आराम कर सके। ये सारी बातें होने के बाद भी 30 दिन हमें बोला गया, उसके बावजूद हमने 30 की बजाय 45 दिन का अल्टीमेटम दिया। हमने बोला कि 30 नहीं आप सर 45 दिन लीजिए, पर आप हमें ग्राउंड पर इन चीजों में कोई बदलाव दिखाइए। आप हमें सकारात्मक अगर नहीं हो पा रहे हैं तो उसका कारण क्या है, ठीक है वो आप हमें बताकर बिल्कुल जायज मांगे। शुभांशु जी ऐसी मांगों के साथ तो हम आपके साथ हैं कि आप लोग अगर ये मांगे कर रहे हैं कि जो महिला डॉक्टर्स हैं उन्हें सेफ्टी मिले, अस्पतालों में सुनसान जगह अगर है वहां पर तो गार्ड्स की तैनाती हो, वहां पर पुलिस वाले पेट्रोलिंग करें, वहां पर बगल में जो पुलिस के थाने होते हैं वो बार बार आकर गश्त दें, और महिलाओं की नाइट ड्यूटी होती है तो उनमें कुछ नियम होने चाहिए, उनकी ट्रांसपोर्ट अगर वो महिला बाहर रहती है तो उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ध्यान, बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट आपका बिल्कुल जायज है। अगर इस पॉइंट के लिए आप लोग लड़ रहे हैं तो गलत नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अगर राम प्रसाद जी आप ये बोलेंगे कि छोटी छोटी मांगे हैं तो माफ कीजिए सर, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि देश में ऑलरेडी इतनी बड़ी घटना कोलकाता में हो गई और नहीं होनी चाहिए ऐसी कोई घटना। बहरहाल डॉक्टर सुमित गर्ग का रुख कर लेते हैं। सर ये पहली दफा नहीं है जब रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हों, आपकी सरकार में भी चाहे राइट टू हेल्थ के खिलाफ हो चाहे इसके अलावा अपनी मांगों को लेकर हो, रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल करते रहे हैं। तब आप इनकी हड़ताल को लेकर कहते थे कि ये हड़ताल नहीं होनी चाहिए, अब क्या कहेंगे? नंदिनी जी नमस्कार। जी नंदिनी जी, डेंगू मलेरिया स्क्रब टाइफस जैसी महामारियों के चपेट में आया प्रदेश, वैसे ही सरकारी अव्यवस्थाओं के चलते त्राही त्राही कर रहा। बिल्कुल, ऊपर से रेजिडेंट्स की हड़ताल, कहीं ना कहीं इन आज की जो हमारे स्वास्थ्य सेवाएं उनको चरमरा, वो पूरी तरह चरमरा रही है। किसकी जिम्मेदारी? कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है। नंदी जी बड़ा सीधी सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी में कोई भी सरकार होती है वो अभिभावक के रूप में होती है। कहां दिक्कत है चिकित्सकों से बात करने में, आप क्यों नहीं बात कर लेते? ये आप तक क्यों वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं? जहां तक हमारी बात करी, हमने हाँ हड़ताल हुई चिकित्सकों की, लेकिन हमने डेडलॉक कभी नहीं टूटने दिया, हमने कंसेंसस बनाए रखा और कभी भी ये नहीं कहा गया कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई, हमारे साथ बेईमानी हुई। जहां तक हम अभी शुभांशु जी कह रहे थे कि हमारी ये मांग है, नंदी जी कौन सी नाजायज मांग है? अगर सुरक्षा की डेमोक्रेसी में मांग करना नाजायज है तो मैं कहता हूँ इनको ये नाजायज काम हर भारतीय को करना चाहिए। ठीक है, अगर अपने कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाओं की मांग करना नाजायज है तो ये जनता तय कर ले। बीजेपी की सरकारों के आने के बाद इस देश और प्रदेश को जो महंगाई मिली है तो तोहफे में, उस महंगाई के बाद अगर अपना मानदेय बढ़ाने की मांग करना गुनाह है तो आपकी सरकार में भी किया करते थे, अस्पतालों में व्यवस्थाएं
सुधरने योग्य हैं या आपकी सरकार में भी होती थी। हालात कोई आज से खराब नहीं है, लेकिन हाँ अब इनकी जिम्मेदारी है तो सवाल भी इन्हीं से पूछे जाएंगे। सर देखिए, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाया है कि इस समय डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर और खतरनाक बीमारियों की वजह से अस्पताल भरे पड़े हैं पेशेंट से, और इतने दिन हो चले हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स अस्पतालों में अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप लोग चुप क्यों हैं? क्योंकि आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ रहा, वहां पर जो गरीब पेशेंट प्राइवेट अस्पतालों का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता वो लोग वहां पर संघर्ष करने के लिए जाते हैं, और आप देखिए उनकी स्थिति आज। तो ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी तो ढंग से मिली, आपको इंश्योर करना चाहिए। मैं नंदिनी जी आपको बताना चाहूंगा कि सुमित जी ने भी बताया है कि हड़ताल जब होती है तो हड़ताल पे सारा प्रेशर, ये हमारा परिवार है, सरकार के साथ में, डॉक्टर के साथ में, चिकित्सा मंत्री मिलकर के जो समन्वय बनता है, वो समन्वय बनकर के जब हड़ताल होती है तो हमने ये भी देखा है कि कितने एमओज को वहाँ लगाना पड़ता है, कितने डॉक्टर्स को वहाँ लगाना पड़ता है, क्योंकि मरीज जब आता है तो ये नहीं देखता है कि रेजिडेंट डॉक्टर देख रहा है या अदर डॉक्टर देख रहा है, वो डॉक्टर को भगवान मान के देखता है। अभी सुमित जी ने बताया कि हमारी सरकार में ऐसा हुआ, मैं याद दिलाना चाहता हूँ 1998 से 2003 का मामला, जिसके अंदर 87 दिन हड़ताल चली थी, डॉक्टर आगे आगे भग रहे थे, कांग्रेस गवर्नमेंट में रेशमा लागू किया था सरकार ने, रेशमा लागू किया था आपकी सरकार ने, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमें हमारी हमें डॉक्टर से तीन बार बैठक कर चुके हैं, तीन बार बैठक में हर पॉइंट्स को लेके चल रहे हैं, हर पॉइंट्स को ऐसे लेके चल रहे हैं कि सारे पॉइंट्स हम मानने के लिए तैयार हैं, सारे पॉइंट्स को हम बिंदु को देख रहे हैं, लेकिन आप बताओ कि कोई जूनियर जैसे विशेषज्ञ है, सुपर स्पेशलिस्ट का जैसे मुद्दा है, उसमें केडर गठन होगा, केडर गठन होकर के कैबिनेट में जब लिया जाएगा उसमें तो टाइम लगेगा लगेगा, लेकिन जो पॉइंट सुरक्षा का दिया है उसमें निर्भया गार्ड भी लगा चुके हैं, और भी महिला की गार्ड भी लगाने की जरूरत पड़ेगी, वहां पहली बार आपको देखने को मिला है कि डीसीपी पहले बार अपॉइंट हुआ है एसएमएस अस्पताल में, कल परसों ही इसका आदेश निकाल दिया गया है, पहली बार डीसीपी लगा है, काम कर रही है, फिर आप लोग बार बार हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी सेवाओं को बंद करने की। देखिए शुभांशु जी, ये बात तो आप भी समझते होंगे कि बीच का आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, आप सरकार से बात कीजिए, ऐसे हट धर्मिता दिखाकर अगर हड़ताल ही करते रहेंगे डॉक्टर्स तो फिर सर फिर क्या बोलें, संवेदनहीनता कहें से? मैम हट धर्मिता का जैसे कि बार बार जो बोला जा रहा है उसका मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण यह बताता हूँ कि पिछली बार जो मेरी बात अधूरी रह गई थी, 30 दिन का जो हमें बोला गया, हमने 30 की बजाय हमने बोला कि 45 दिन आप लीजिए, आप ग्राउंड पर हमें काम करके बताइए। उसके बावजूद अभी सर ने खुद ने अभी अब बोला कि जनाना अस्पताल में ऐसी घटना हुई, उसके बाद हमने कार्रवाई की, इन्होंने कार्रवाई की यह मुद्दा तो उठाया पर ऐसी घटना हुई क्यों, इस चीज़ का जवाब नहीं है, अभी भी ग्राउंड पर वो काम नहीं हुए हैं। आपको अगर विश्वास नहीं आता, आप आज भी चलकर इमरजेंसीज हैं, मेडिकल इमरजेंसी है, ट्रॉमा इमरजेंसी है, जनाना लेबर रूम है, महिला चिकित्सालय है, गनगौरी अस्पताल है, कावटी अस्पताल है, इतने सारे अस्पताल हैं, आप अभी भी जाकर ग्राउंड रियलिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। हमें कोई मजा नहीं आता है, हम मरीजों को परेशान नहीं करना चाहते। अभी दूसरा जैसे कि सर ने बताया, इसी मुद्दे में मैं जोड़ना चाहूँगा कि स्पेशलिस्ट एमओ और ये वाला जो है कैडर गठन है, इसमें वक्त लगेगा, समय लगेगा, ठीक है, यही चीज़ हम दो बार से तीन बार से सुन रहे हैं, क्या हमें या तो कोई डेट दे दी जाए, हमें बताया जाए, कम से कम आप हमें यह तो बता सकते हैं कि सर ये इस पे इतना हमारा प्रोग्रेस हो चुका है, बेसिक मांगे आप मुझे यहाँ पर बता दीजिए कि आप लोगों की वो मांगे सरकार पूरी कर दे, अभी तो आप लोग हड़ताल अभी बंद कर देंगे जी। मैं बता दीजिए वो 8 सूत्रीय जो मांग का वो है ज्ञापन, जो लेटर हेड है वो बना हुआ है, सरकार को भी विगतवार इसको लेकर परसों जो थी वो मीटिंग हो चुकी है, उसमें से पहली जो बेसिक मांग वो है सेफ्टी सिक्योरिटी और बेटर DDR फैसिलिटीज़, वाटर कूलर वगैरह जो भी है, मतलब कि डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर के लिए जो बेसिक खाना पीना जो सुविधा है वो सिक्योरिटी। दूसरा जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वो आता है जो है स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 17 नवंबर को 1200 से अधिक मेडिकल ऑफिसर चिकित्सा अधिकारी की भर्ती जो है वो प्रस्तावित है, जिसकी परीक्षा जो है वो 17 नवंबर को होनी है। अब आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखिए, ये परीक्षा जो है वो एक MBBS ग्रेजुएट भी दे सकता है, और यही परीक्षा अगर किसी को चिकित्सा अधिकारी बनना है
तो यही परीक्षा एक पीजी ग्रेजुएट को भी देनी पड़ेगी, ठीक है, जिसने एक एक विषय में एक स्पेशलिटी में अपना एमडी की है, एमएस की है, उसको भी देनी है, जिसने डीएमएमसीएच यानी कि सुपर स्पेशलिटी भी की है, मतलब 3 साल की पढ़ाई और की है, सबके लिए एक कॉमन एग्जाम है, आपत्ति है? हमें आपत्ति नहीं है। आप चिकित्सा अधिकारी पीएससी लेवल पर सीएससी लेवल पर चिकित्सा अधिकारियों की जरूरत है, आप उस जरूरत को पूरा कीजिए, पर आप पुरानी खबरें उठाकर देखेंगे, मैं अभी आज न्यूज क्लिप लाया नहीं हूँ साथ में, आपको अगर जरूरत होगी वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी कि यह खुद एक मुद्दा था कि एक सीएचसी पर बिना ओटी होते हुए जिस न्यूरोसर्जन ने, न्यूरोसर्जन मतलब जिसने एमबीबीएस एमएस और एमसीएच न्यूरोसर्जरी में की है, उसको चिकित्सा अधिकारी लगा दिया गया, जबकि वहां पर ओटी नहीं था, ऑपरेशन थिएटर नहीं था, न्यूरोसर्जरी न्यूरोसर्जन अगर एक आदमी है तो वो क्या करेगा? देखिए, मैं आपकी बात कुल मिलाकर जो समझ पा रही हूँ कि पूरे सिस्टम से भी आपको, आप लोगों को प्रॉब्लम है। अब देखिए, किसी सिस्टम में बदलाव को लेकर आप भी जानते हैं कि वक्त लगेगा, ये आप लोग 8 दिन या 11 दिन या 15 दिन या 20 दिन बैठ जाएंगे, आप भी जानते हैं कि बहुत सारी आपकी ऐसी मांगे हैं जो एकदम से पूरी नहीं होंगी। तो कम से कम मैं आप लोगों से, हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए, जो मांगे जायज तुरंत प्रभाव से पूरी हो सकती है उनको पूरा कराइए, जिनमें आपको आश्वासन के साथ कार्रवाई होती नजर आए उसके बाद आप हड़ताल को खत्म कर दीजिए। एकदम से सब कुछ नहीं हो, लेकिन बीच का रास्ता निकल सकता है ना, ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल, ये बात हम मानते हैं। हम हमारी शुरू से यही मांग है, हम ये नहीं कह रहे हमारी सारी मांगे एकदम से पूरी कर दी जाएं, पर इस पर सकारात्मक वार्ता तो हो, ठीक है, बातचीत नहीं करी है सरकार जी हमसे? बातचीत परसों, इसी बातचीत के परिप्रेक्ष्य में आपको बता देता हूँ, परसों हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया, डेलीगेशन हमारा गया था, डेलीगेशन से हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय भी थे, उन्होंने इतने प्रेम पूर्वक और इतने अच्छे से हमारी सारी बातें सुनी, और सारी बातें सुनने के बाद उनका भी रवैया ये था कि इसमें से कोई भी मांग नाजायज नहीं है, सारी बातें आपकी जो है वो सारी जायज है और मैं इस पर काम करवाता हूँ। तो आज अगर आज तो इसमें वक्त लगेगा, अपन कल वापस बैठेंगे, कल वापस मीटिंग होगी आपसे, और कल भी अगर रास्ता नहीं निकला तो परसों वापस बैठक होगी, पर कल हमारे पास बैठक का कोई न्योता नहीं आया, ना हमारे पास, ना हमारे प्रतिनिधिमंडल के पास, ना हमारे पास कोई अपडेट आया। देखिए ऐसे राम प्रसाद जी, ऐसे बस कह देने भर से कि बातचीत चल रही है, देखिए मैं डॉक्टर्स और जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनसे बस यही कहना चाहूंगी, आपके बीच का मैटर है, इसको जल्द से जल्द आपको सुलझा लेना चाहिए। इसमें जो गांव और ग्रामीण अंचलों से मरीज आ रहे हैं, शहर के तमाम गरीब तबका अपना इलाज कराने पहुंच रहा है, उनके साथ अन्याय मत कीजिए। डॉक्टर सुमित जी, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के तौर पर आपको यहां पर आवाज बनना चाहिए उन लोगों की जो अस्पतालों में संघर्ष कर रहे हैं, आप बताइए ये हड़ताल खत्म होनी चाहिए? आप बिल्कुल निसंदेह, मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार को आगे आना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, सरकार तो विदेश भ्रमण पे है, सरकार राइजिंग राजस्थान के नाम पे इस धरती पर राजस्थान को डार्कनेस में ला छोड़ा है सरकार ने। दुर्भाग्य ये है कि नंदिनी जी, सरकार सुनना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती, क्यों? क्योंकि सरकार हठधर्मी हो चुकी है। जहां तक अभी सुधांशु ने बताया कि हमने 30 दिन की बात करी थी, 45वें दिन हमें हड़ताल पर जाना पड़ा, तो मुझे तो यही याद लगता है कि बिचारों ने अंत में इन्होंने यही सोचा कि बहुत हो चुकी बंदगी, यलगार ही सही, तकरार में है जिंदगी, तकरार ही सही, तो सरकार को इस तकरार को तोड़ना पड़ेगा, बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, अपनी नहीं प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के स्वास्थ्य की को ध्यान में रखते हुए सरकार को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, चिकित्सकों से बात करनी पड़ेगी, गतिरोध तोड़ना पड़ेगा और इस प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से लाना पड़ेगा। ये राम प्रसाद जी 1998 में चले गए, बड़े दुख का विषय है, आज वर्तमान की बात नहीं करते। आप कहां पे चले गए, आप विदेश में क्या घूम रहे हो, आपके मुख्यमंत्री 4.5 साल तक होटलों में घूम रहे थे, वो आपको नहीं दिख रहे थे? आप 1998 क्यों बात करते हो, आप 2008 से 2013 की बात कर लो, आप 2018 से 2023 की बात कर लो, आपके सरकार में हड़ताल नहीं होती थी, आपकी सरकार में प्रतिनिधि मिलते नहीं थे, देश में लागू करते थे, हमारे सारे प्रतिनिधि, हमारे डॉक्टर्स, हमारा परिवार है, रेजिडेंट्स हमारा परिवार है, हम परिवार के साथ में मिलकर के बैठक कर रहे हैं, लगातार लागू कर रहे हैं। देखिए आप बात करते हो, आते राजनीति मुद्दा उठाया करो, सही बात का राम प्रसाद जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुद्दे पर रहते हैं। देखिए सीएम विदेशों में घूम रहे हैं ना, तो कांग्रेस को ये बोलना चाहिए, क्योंकि पहले सीएम नहीं है जो इन्वेस्टमेंट के लिए विदेशों में गए हैं, गहलोत साहब भी खूब जाते थे, ना ही आपको जरूरत है सर बोलने की कि 98 में क्या हुआ था। हम बात कर रहे हैं आज की, अभी फिलहाल डॉक्टर सर 11-12 दिन हो चुके हैं, सेंसिबली अगर हम बात करें तो आज का यही होना चाहिए मुद्दा कि आप इन डॉक्टर्स को तुरंत प्रभाव से आपको सोल्यूशन निकाल देना चाहिए। सर आप कह रहे हैं हम मीटिंग्स करेंगे, कल हम बैठेंगे, परसों हम बैठेंगे, इससे काम नहीं चलेगा,
आप तुरंत प्रभाव से इस पर स्टैंड लीजिए। अगर आपको लगता है मांगे जायज है पूरी कीजिए, आपको लगता है मांगे ना जायज आप कार्रवाई कीजिए। हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, आप मानते हैं ये बात? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पहले भी आपको बताया कि सुरक्षा पॉइंट एकदम अच्छा पॉइंट है, उसका 21 अगस्त को हमने ये आदेश सारे डिपार्टमेंट्स में निकाल चुके हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन कर चुके हैं, इनका पॉइंट्स आया है, ये फिर भी बीच में बोल रहे हैं। आप अपने टाइम पे बोलो ना, मेरे टाइम पे आप बीच में क्यों बोलते हो? आप इसको इनको चुप रखवाइए, ऐसा नहीं चलेगा। आप डिबेट जब मैं बोलने की मेरी बारी आती है आप बीच में बोलने लग जाते हो। आप बीच में नहीं बोलते, देखिए डिबेट हो रही है, अपना पॉइंट वो रख रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगी सब एक एक करके रखिए, सब एक एक करके। हमने इनकी बात सुनी है, इनकी बात सुनकर मंत्री चिकित्सा मंत्री जी ने इनको संतुष्ट करके भेजा है, शिक्षा मंत्री जी सारे पॉइंट्स को सुन करके, और ये भी बताया गया, ये भी बताया इनको कि सारे पॉइंट्स का हम बिल्कुल आपका निर्णय लेकर के जल्दी आपके सामने रखेंगे। आज इनको इनकी दूसरी जो मीटिंग थी, अधिकारियों को आदेश दिया था, कल 4:30 बजे अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, आज भी मीटिंग होनी है और मंडे को इनकी फिर दोबारा से मीटिंग होनी है। डॉक्टर्स के साथ में हम लगातार 24 घंटे लगातार जुड़े हुए हैं। इनको फिर डॉक्टर्स से मैं निवेदन करता हूं कि आप इतने इस टाइप से हड़ताल के मुद्दे पे नहीं जा करके आप सरकार से चिकित्सा मंत्री से डायरेक्ट जुड़े, हमारे से जुड़े। मैं 24 घंटे मेरा फोन चालू है, चिकित्सा मंत्री जी का फोन चालू है, आप आए अपने पॉइंट्स का एक एक पॉइंट्स को व्यू करके देखा जाएगा। सर बातचीत तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि बीच का रास्ता निकालने की तैयारी आप लोगों ने कर ली है? बीच का रास्ता नहीं, सारी बातें जो जायज मांगे हैं इनकी बिल्कुल मानने के लिए तैयार है, हमेशा मानने के लिए तैयार है। हमने ऐसा एक निर्णय भी लिया है उस बैठक में जिसमें ऐसा सोचा जाएगा कि यदि डॉक्टर्स यदि रेजिडेंट डॉक्टर्स बिल्कुल सहमत हुए भी थे कि 3-4 साल तक कोई हड़ताल करने की नौबत ही नहीं आए, क्योंकि हड़ताल होती है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, स्टाइपेंड है बढ़ने वाला है, बिल्कुल बढ़ेगा स्टाइपेंड में। वैसे भी मैंने आपको बताया कि जनवरी और जुलाई में साल में 2 बार स्टाइमेट अपना राजस्थान पहला राज्य है जिसमें ऑटोमेटिक बढ़ता है, डीएनएस अलाउंस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक बढ़ता है। 2021 का आदेश आया ऑटोमेटिक, किसी को जरूरत ही नहीं है बैठक करने की। देखिए शुभांशु जी, आपने भाजपा के प्रवक्ता को सुना, मुझे उनके सवाल रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे अब बता दीजिए, इनकी बातें सुनने के बाद आपको उम्मीद है कि जल्दी सोल्यूशन निकलेगा, हड़ताल खत्म होगी? मैम हम उम्मीद के भरोसे ही बैठे हैं, परसों चिकित्सा मंत्री जी ने बोला था, उसके बाद हम खुद इतने पॉजिटिव और सकारात्मक माहौल था, हमें लगा था कि हमारी बात इतने अच्छे से सुनी गई है, उस पर शायद कोई सकारात्मक रुख आएगा। कल हम बहुत ज़्यादा निराश हुए जब हमारे पास कोई भी इस चीज़ को लेकर अपडेट नहीं आई, जबकि हमें बोला गया कि रोज़ हम आपको बुलाएंगे, आपके साथ अपडेट करेंगे, बातें करेंगे। इसी क्रम में मैं आपको जो अभी बताया था कि कैडर गठन और ये मतलब कि बहुत लंबी प्रोसेस होती है, कुछ कुछ मांगे ऐसी होती हैं जो हम भी समझते हैं कि एक दिन की बात नहीं है, ठीक है। इसी क्रम में बताता हूँ, उस डेलीगेशन में मैं खुद भी था, ACS जब शुभ्रा सिंह मैम थी, तो ये जो स्पेशलिस्ट एमओ वाला है इसको लेकर हम स्पेशली मिले थे मैम से, और मैम ने बोला था कि ये जो आपका मांग है ये बहुत दिनों से हमारे संज्ञान में है और इसकी फाइल चल रही है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास है, ठीक है। यही जवाब 4-6 महीने गुजर जाने के बाद भी यही जवाब मिलता है, जब हम नई अब ACS मैम नई जो है आपको पता होगा कि वो चेंज हो चुकी हैं, उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है, अच्छा दिखवाते हैं हम, ठीक है। आप बताइए इस तरह से फिर मध्यस्थता का रास्ता कैसे निकलेगा? ठीक है, हम तो हमेशा ब्यूरोक्रेट्स के पीछे नहीं, फिर भी एक लिमिट तो तय करी होगी हड़ताल की, एक लिमिट तय करी होगी कि सरकार हमारी जैसे ये मांग मानेगी हम हड़ताल खत्म कर देंगे। जी मैम, लिमिट जो सकारात्मक वार्ता है उसको मिलकर ही आप हमें समझाएं कि ये मांग हमारी नाजायज है, हम उसको लेकर हमारे पक्ष में पॉइंट रखेंगे। आप अगर बोलेंगे कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं हो सकती, ये चीज ऐसे होगी, तो मध्यस्थता का रास्ता है, तो आपकी मांग बिल्कुल जायज है। बाकी स्टाइपेंड में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए वो सरकार और आपके बीच की स्ट्रेटेजी है, वो आप लोगों को तय करनी है, बिल्कुल। लेकिन सुरक्षा का मुद्दा आपका बिल्कुल जेन्युइन है और इसमें हम भी आपके साथ है, मीडिया भी आपके साथ है, किसी भी महिला डॉक्टर के साथ कोई भी या मेल डॉक्टर के साथ भी कोई भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कि बाद में पछताना पड़े। वही हमने पहले दिन जी बिल्कुल सर उम्मीद यही करूंगी। शुभांशु जी देखिए, आप लोगों की भी पढ़ाई, आप लोगों की भी प्रैक्टिस प्रभावित होकर करके आप लोगों को भी कोई खुशी नहीं मिलती होगी, हम जानते हैं, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है मरीजों के साथ, इसीलिए आज इस मुद्दे पर हम बात भी कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स को काम पर लौटना चाहिए और सरकार को जो भी उनकी मांगे हैं उस पर सेंसिटिविटी के साथ कार्यशैली शुरू कर देनी चाहिए। सुमित जी, आप कोई पॉइंट यहाँ पर गिनवाना चाह रहे थे, बोलिए। नंदन जी, मैं यही कह रहा था, मेरे साथी प्रवक्ता शायद इस बात पर नाराज हो गए जब मैंने कहा कि सरकार विदेश में, इसमें कोई गलत बात अतिशोक्ति नहीं है, मैंने गलत नहीं कहा। अब बात आती है गतिरोध तोड़ने की। नंदनी जी, ये एक डिपार्टमेंट का विषय है नहीं,
सुरक्षा की जहां तक बात है उसको गृह मंत्रालय तय करेगा। गृह मंत्री जी कहां है? विदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी। स्टाइपेंड बढ़ाने की बात है उसके जो फाइनेंस तय करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर कहां है? कि विदेश में। तो सरकार विदेश में बैठी है, निर्णय लेने वाले विदेश में बैठे, ये यहां पर आश्वासन किस हैसियत से दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं मैं फिर कह रहा हूं कि जहां तक हमारे मैं कंप्लीट कर देता हूं, हमारे मुख्यमंत्रियों की बात करी नंदिनी जी, एक इतिहास में आप मौका नहीं बता सकते कि प्रदेश आपातकालीन स्थितियों में हो और हमारा मुख्यमंत्री विदेश में गया। आपकी सरकार में आपको याद नहीं आ रहा, मैंने पॉइंट डेट सही आपको बताया है। आपात परिस्थितियों में विदेश में नहीं गया और आप मतलब नॉलेज नहीं लेके आ रहे। राम प्रसाद जी, अब देखिए फाइनल जवाब दे दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि सीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्हें डिसीजन लेना है वो लोग विदेश में, डिसीजन मेकर कौन होगा? ये डॉक्टर्स की हड़ताल कब तक चलती रहेगी? देखो मैम, मैं पहले से आपको पहले भी निवेदन किया था, ये एक चिकित्सा पैसा नोबल पैसा है। डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर्स भी उस दिन यही बात हुई थी कि हाँ बिल्कुल हम मानने के लिए सारे पॉइंट्स पे चिकित्सा मंत्री जी ने अच्छे से सुना और सारा निर्देश भी दिया। पहले से ही गृह मंत्रालय जब आदेश दिए हुए हैं सारे गृह मंत्री, मैंने आपको अभी निवेदन किया, डिप्टी पहली बार राजस्थान में डिप्टी अब एक अस्पताल में डिप्टी का अपॉइंट किया है, पहली बार निर्णय कौन करेगा इस प्रकार किया। अब ये बीच में बोलते हैं फिर वापस आ जाते वो, हैं वो, मेरे वो, से काम बीच में नहीं बोलने देता बीच में नहीं आप सरकार के ऊपर हमेशा आ रहे हो कि गृह मंत्रालय का जवाब ले लेते हैं। राम प्रसाद जी, मैं वही जवाब दे आप कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया है। यहाँ आपके सामने डॉक्टर बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो करना चाहिए वो नहीं किया है। आप या तो आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। सुरक्षा के पॉइंट्स पे हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर जब इलाज करने बैठता है उसके साथ यदि घटना होती है, हम भी मानते हैं, मैं भी डॉक्टरी करी है, मैं भी मानता हूं कि अचानक से 10 लोग आ जाते हैं, एक तरफ मरीज होता है, एक तरफ 10 लोग होते हैं, उनकी तरफ डॉक्टर क्या करे। उस घटना को मैं मंत्री जी को खुद को बताया, मंत्री जी ने खुद ने एक्सेप्ट किया कि हाँ कोई महिला डॉक्टर को इलाज करती है, कोई डॉक्टर मेल डॉक्टर कोई रात को इलाज करता है और अचानक से भीड़ आती है, उस समय चिकित्सा वर्दी में कोई पुलिस अधिकारी वहां पे खड़ा रहता है, कोई पुलिस कांस्टेबल वहां खड़ा रहता है, महिला डॉक्टर के पास महिला कोई कांस्टेबल खड़ी रहती है, तो वो इलाज एक निर्भय तरीके से कर सकती है। इसका हमने पूरा निर्णय ये लिया कि अभी पहले भी हमने 21 अगस्त को आदेश निकाला और अब भी इस बैठक में ये तय किया है कि सारे डिपार्टमेंट्स को, जो गृह डिपार्टमेंट्स है, यदि वहां पे सफाई अभियान के जैसे अपने नगर निकाय को बोलना है, अलीगल एक्टिविटीज वहां टोबैको बिकता है उसको भी अलीगल एक्टिविटीज को कैसे अपन कम कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स डॉक्टर को सुनकर के, सारे डॉक्टर्स के लेडी के कब तक डॉक्टर्स अपने काम पर लौट जाएंगे बता दीजिए। राम प्रसाद जी आप बताइए। अब डॉक्टर्स को तो लौटना ही चाहिए क्योंकि इनको हम साथ, सरकार साथ में जुड़ी हुई है, बिल्कुल वार्ता के साथ में डेली बात कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को बिल्कुल मान लिए भी गए हैं, पहले भी मान लिए गए। आप इनको, हमसे ये अपील करता हूं मतलब कि डॉक्टर्स को हड़ताल पे नहीं पता कि हड़ताल पे नहीं रहना चाहिए, वापस लौटेंगे, यानी रास्ता भी धुंधला सा नजर आ रहा है। शुभांशु जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो धुंधला नजर आ रहा है उसको आप क्लियर कर दीजिए, कब तक हड़ताल खत्म हो जाएगी आपकी? मैम हमारी तरफ से डे वन से, आज 11वां दिन है, पहले दिन से यही था, जिस दिन हमें सकारात्मक चीज़ें जो हैं, निर्णय जो हैं, वो ग्राउंड पर नज़र आने लगेंगे। अगर ग्राउंड पर नहीं, जो चर्चा हुई है परसों, जो सकारात्मक चर्चा हुई, आप बैठकर बात कीजिए, आप मध्यस्थता का कोई रास्ता निकालिए, आप हमें बताइए कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती, और ये चीज़ हो सकती है तो इस तरह से होगी, आप ये चीज़ हमें कन्विंस कर दीजिए। हमारा डेलीगेशन है, प्रतिनिधि मंडल है, जो परसों भी आपके पास आया था, आप उनको कल भी बुलाते, आप उनको कम से कम आज भी बताते, आप उनको प्रोग्रेस तो बताते कम से कम आप, क्योंकि आपकी बेसिक लड़ाई स्टाइपेंड बढ़ाने की है या फिर सुरक्षा की है? जी मैम, हमारी पूरी जो 8 मांगे हैं, क्योंकि हर बार हम हर एक मांग को लेकर तो हड़ताल पर बैठ नहीं सकते और ना हम हर बार चक्कर काट सकते, क्योंकि आपको भी पता है एक रेजिडेंट जो 24 से 48 घंटे की नॉनस्टॉप ड्यूटी करता है, सुरक्षा की मांग थी उसके साथ में और सुरक्षा के अतिरिक्त भी हमारी मांगे हैं, संबित मांगे। अच्छी बात है आपकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा होना चाहिए, लेकिन आई एम सो सॉरी शुभांशु जी, आई एम सो सॉरी राम प्रसाद जी, आप लोगों की इस लड़ाई में जो आम आदमी है वो पिस रहा है, और आप लोगों को सेंसिटिव हो जाना चाहिए उन मरीजों के प्रति, क्योंकि आप लोगों का भी यही धर्म होता है, डॉक्टर्स हैं आप लोग, समझ सकते होंगे उनकी पीड़ा। फाइनल कमेंट सुमित जी आपकी तरफ से। नंदिनी जी, मैं तो फिर कहूंगा कि सरकार को आगे आके
बड़ा दिल दिखाना चाहिए और विदेशी दौरे को रद्द करके कहीं ना कहीं प्रदेश में जो आपात स्थिति है उससे निपटने में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, जिसके लिए 7.5 करोड़ राजस्थानियों ने वर्दित किया है। वैसे सुमित जी एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगी, मैं मान सकती हूँ कि प्रदेश में कई सारे मुद्दे हैं जिन पे डिसीजन सीएम को लेना है या फिर जो अन्य नेता है उनको लेना है, लेकिन अगर राइजिंग राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री विदेशों में जाकर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लगता है विपक्ष को अप्रिशिएट करना चाहिए था, आपको बुराई नहीं करनी चाहिए उनके इस कदम। राजनीतिक चश्मे से देखिए, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं रहे ऐसी है, विकास हो रहा है, चिकित्सा मंत्री सारा करने के लिए तैयार है, आप मंत्री जवाब देने की बात करते हैं। बाकी मैं कहता हूँ ना, हमारे मुख्यमंत्री भी बिल्कुल जाना चाहिए, लाना चाहिए, हमें स्वीकार है, लेकिन बात समय की है, आज प्रदेश आपात स्थिति में है, आज जाना पे हमें ऑब्जेक्शन है, अगर प्रदेश की हालात ठीक होते ये जाएं हम स्वागत करेंगे। ठीक है, नहीं लगातार जब पहले कोरिया गए, जापान गए, उसके बाद भी आप लोगों के प्रवक्ताओं ने यही बोला कि प्रदेश को ना संभालते हुए सीएम तो विदेश में घूम रहे हैं, अभी आप फिर वही बात कर रहे हैं। तो मेरा आपसे बहुत नॉर्मल सा सवाल था कि देखिए अगर प्रदेश की भलाई के लिए गए हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तो इसका अप्रिसिएशन होना चाहिए, समय की आप बात कर रहे हैं, हाँ डॉक्टर्स की मांगों को लेकर डिसीजन जल्दी होना चाहिए। सभी आप लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अस्पतालों में चाहे बात SMS हॉस्पिटल की हो या तमाम दूसरे सरकारी हॉस्पिटल की हो, अभी फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर्स की कमी हर पल हर मिनट पेशेंट्स को भुगतनी पड़ रही है और 11 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, अब डिसीजन ले लेना चाहिए रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी और सरकार को भी, और अब जल्दी से डॉक्टर्स लौटे यही उम्मीद हम करते हैं। बोल बेधड़क में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।